सनम जिया मौजूद है, जिन्होंने की बेड नंबर 17 मूवी जो कि कश्मीर में बनी है उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ रोल प्ले किया है और बेड नंबर 17 क्या थी, किस रिलेटेड वो मूवी है। तो आपका खैर मकदम करते हैं मॉर्निंग कश्मीर में। आप सबसे पहले जानेंगे क्या कुछ रोल आपने प्ले किया है बेड नंबर 17। मेरा जो कैरेक्टर था वो जोया करके एक गर्ल थी, जो कश्मीरी गर्ल होती है, अपने फियांसी की जो पूरी सपोर्ट करती है। वैसे ऐसे देखा जाए ओवरऑल मूवी तो एक फादर एंड सन की स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल, यहाँ के हालात को लेके, यहाँ की बेरोजगारी जो होती है उसको लेके, एक सन कैसे अपने फादर को कैसे सर्वे कर रहा है, उसकी बीमारी से कैसे लड़ रहा है, और सन की स्टोरी थी। अच्छा, तो और किसी मूवीज में आपने क्या कुछ मूवीज में आपने रोल प्ले किया है इससे पहले? जी, मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है, पर जब कश्मीर की बात आती है, कश्मीरी कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि यहाँ पे फिल्मों का कल्चर बहुत ही कम है। जबकि अभी अभी फिल्में, हमारी पहली फिल्म कश्मीर डेली जो हुसैन साहब ने डायरेक्ट की थी, तब स्क्रीनिंग हुई थी, पर इस तरह से नहीं हुई थी क्योंकि तब यहाँ पे उतना कॉन्सेप्ट नहीं था फिल्मों का, लोग देखने नहीं आते थे। तो आजकल लोग देखने आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी प्राउड वाला मूवमेंट है कि हम यहाँ के जो एक्टर हैं, चाहे वो अदाकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाने का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। काम तो मैं 2010 से कर रही हूँ, पर जब वही है ना कि कश्मीर में कश्मीरी प्रोजेक्ट की बात होती है तो वो मेरे लिए सबसे बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ की रीजनल इंडस्ट्री की बात करें तो रीजनल इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है यहाँ पर, तो क्या कुछ चाहती है आप सरकार उस पर काम करें? सरकार ऑलरेडी काम कर चुकी है, अभी कुछ दिन पहले SKIC में एक प्रोग्राम हुआ था तो यहाँ पे फर्स्ट जो सब्सिडी बेसिस कुछ मूवीज बननी अब स्टार्ट हो गई है, तो लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अपने हुनर के साथ साथ एक बेरोजगारी खत्म होने का एक बहुत अच्छा रास्ता मिला, जो कि फिल्म लाइन में है उन सबके लिए। क्योंकि इससे पहले अगर कोई मूवी बनाता था तो अपने फंड से अपनी सारी चीजें होती थी, कोई ऐसा नहीं था कि उसको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर रही। तो अब जो स्टार्ट हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा एक नया कदम है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे जो भी इस लाइन में उन सबके लिए। तो यहाँ पर जो मूवीज बनती है तो आपको लगता है कि लोकल टैलेंट जो है वो भी इससे निखरता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो सब्सिडी बेसिस पे बनने उनका तो वही पॉलिसी में है कि आपको तकरीबन, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई थिंक 50% उनको यहाँ के कास्ट, यहाँ के लोकल्स ले लें, तो वो तो सीधी सी बात है, मौका मिलेगा तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी जो कि इस इंडस्ट्री? मेहनत करो दिल से, अगर आप किसी भी चीज़ को, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आपके कोई किसी भी फील्ड में जाने से पहले बहुत सारी रुकावटें आती है, लेकिन अगर आपका इरादा सही है, आप प्यार करते हो अपने काम से, तो अच्छे से पूरा डेडिकेशन के साथ करो, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और अब तो इतना अच्छा हो रहा है फिल्म पॉलिसीज वो ये सब, तो अब तो बहुत ही अच्छा होगा। और यूथ के लिए यही है कि अब हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखाने का, तो आप बिंदास काम करो। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सनम जिया, जिन्होंने बेड नंबर 17 में काम किया है और भी बहुत सारी मूवीज में काम किया है, और आगे भी चाहती है कि कश्मीर रिलेटेड मूवी जो है वो रिलीज हो जाए, उनमें वो काम कर सके। आप बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ। मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं नाथ कबर।